बेबाकंदाज, तन पर भगवा चोला, माथे पर तिलक, हिंदू हृदय सम्राट की छवि। और विवादों से पुराना नाता। लैंड जी है, लो जी है, अभी लैंड जी है के नाम पर जहां पर सरकारी जमीन दिखी वहां पर कब्जा। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो चलिए आपको बता देते। हैदराबाद में राजनीति की जब भी बात छिड़ती है तो एक चेहरा सुर्खियों में जरूर रहता है, और वो चेहरा है हैदराबाद में गौशाला से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की। टी राजा सिंह हैदराबाद में एक ऐसा हिंदुवादी चेहरा है जिसके आगे ओवैसी बंधुओं की भी नहीं चलती। 15 मिनट और खुले मंच से पुलिस को धमकी देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी भी टी राजा का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो वही बड़े मियां असदुद्दीन ओवैसी तो टी राजा के नाम पर खामोश रहना पसंद करते हैं। पिछले कुछ सालों से टी राजा हैदराबाद में एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाने में सफल रहे हैं। टी राजा ने कुरान, मुसलमान, मोहम्मद साहब, इस्लाम, रोहिंग्या मुसलमान और ओल्ड हैदराबाद पर कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसके बाद टी राजा सिंह की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बन गई है। इस वीडियो में हम आपको टी राजा से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, आपको बताएंगे टी राजा एक हिंदूवादी नेता कैसे बने, इनका जन्म कहां हुआ, ये कहां पले बढ़े, इनका राजनीतिक करियर कब शुरू हुआ, इन्होंने बीजेपी कब ज्वाइन किया, विवादों से इनका कितना पुराना रिश्ता है, इस्लाम, मुसलमान और मोहम्मद साहब पर इन्होंने क्या विवादित बयान दिए, इनके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सब कुछ बताने से पहले आपको जानकारी दे दे कि टी राजा का बीजेपी ने अब निलंबन रद्द कर दिया है। साल 2022 में मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद हैदराबाद पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार कर लिया था और बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। वहीं अब करीब 14 महीने के बाद उनके निलंबन को रद्द कर दिया गया है और फिर से उन्हें गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तब से एक बार फिर टी राजा सिंह अपने बयानों से चर्चा में आ गए हैं। टी राजा यहां तक कैसे पहुंचे? ये जानने के लिए आपको थोड़ा टी राजा की जिंदगी की किताब को पलटना होगा और उनके अतीत में झांकना पड़ेगा। टी राजा सिंह का पूरा नाम टाइगर राजा सिंह है। ये लोधी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लोधी समुदाय एक ओबीसी समुदाय है जो उत्तर प्रदेश से आए लोगों से संबंधित है और आम तौर पर उन्हें मुख्य धारा के क्षत्रिय राजपूतों के रूप में नहीं गिना जाता है। टी राजा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2009 में तेलुगु देशम पार्टी से की थी और साल 2014 तक ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मंगलहाट प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। साल 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए और गोशा महल से चुनाव जीत लिया। तब से लेकर अब तक टी राजा ने कई विवादित बयान दिया है जिसके बाद वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। मई 2017 में हैदराबाद के ओल्ड सिटी क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा था। 2017 में ही पद्मावत फिल्म विवाद पर थिएटर को जला देने की धमकी दी थी। जुलाई 2017 में उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंदू समुदाय में 2002 के गुजरात दंगों के समान प्रतिक्रिया देने की अपील की, बार बार सशस्त्र तरीकों से हिंदू राष्ट्र की स्थापना का आह्वान किया, जून 2018 में कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया, रोहिंग्या मुसलमानों की शूटिंग का समर्थन किया। सितंबर 2020 में फेसबुक ने टी राजा को खतरनाक व्यक्ति का लेबल देकर एबी प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया। साल 2022 में मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया। वहीं 27 अक्टूबर को हैदराबाद पुलिस ने दावा किया कि टी राजा के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 18 सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित थे। फिलहाल बीजेपी ने फिर से टी राजा पर दांव खेला है और उनके निलंबन को रद्द करते हुए हैदराबाद में गोशा महल से उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि टी राजा सिंह के हिंदूवादी छवि तेलंगाना विधानसभा में कितना प्रभावी साबित होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।